केरळर विकासरे नुआ अध्याय बहु कोटीर एकाधिक प्रकल्प उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिक्षा पर्यटन क्षेत्र को मिलिबो मजबूती सृष्टि हेबो नुआ निजुक्ति सशक्त हेबो आत्मनिर्भर भारतर नारा प्रधानमंत्री मोदी केरल गस्त करी कोचीठारे एक कार्यक्रम में सामिल होई शिपिंग एवं तैल उद्योगर 6,000 कोटी टंकार एकाधिक प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करछंती प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री उद्घाटन करछंती एठारे एक्राइलेट्स एक्राइलिक एसिड एवं आक्सो एक्लोहोल उत्पादन हेबो जहाँ फल 3,700 रु 4,000 टंकार विदेशी विनिमय संचय हेबो सेपरि कोचीरो विलिंगन दीपरे रो रो जहाज को लोकार्पित करिसेंति प्रधानमंत्री मोदी यहाद्वारा परिवहन खर्च सह समय बंचिबो एवं व्यवसाय बढ़िबो टुडे वन्स अगेन फ्रॉम कोची वी डेडिकेट टू द नेशन द प्रोपिलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोची रिफाइनरी दिस वन प्रोजेक्ट विल हेल्प स्ट्रेंथन अवर journey toward being atmanirbhar thanks to this complex foreign exchange would be saved a wide range of industries would gain an employment opportunities would be generated seipari kerala paryatan udyogara vikas se jodi hoichi antarrashtriya cruise terminal sagarika देशर प्रथम पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनाल होउछि सागरिका यहाद्वारा पर्यटक आराम और सुविधा पाइपारे लोकल टूरीजम उद्योग लोकों मध्य जीविका देव मोदी कहते भारत में पर्यटन उद्योग गत 5 वर्ष बहु आगक बढ़ी विश्व पर्यटन सूचकांक भारत स्थान 65 रु 34 को आईपरि मेराइन इंजीनियरी विज्ञान सगर उद्घाटन करते मोदी विज्ञान सगर कोचिन सीपीआर शिक्षार नुआ केन्द्र हेबो एही कैंपस स्किल डेवलपमेंट गुरुत्व को प्रतिबिंब करिबो बोली मोदी कहिसेंती सेपरि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एहाको ऐतिहासिक दिन कहिबा सह एही प्रकल्प गुडिक केरलर विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो एवं राज्यर अर्थनीति को गति देबारे सहायक हेबो बोली कहिसेंती वी आर एट अ हिस्टोरिक पॉइंट टुडे आवर एक्शंस टुडे विल शेप आवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द इयर्स टू कम India has the ability to rise to the occasion and contribute to global good. Our people have shown that with the right opportunity, they can do wonders. Let us keep working to create those opportunities. Together, we will build an Atmanirbhar Bharat. Once again, I congratulate the people of Kerala for the development works they have been inaugurated today. This project will add crucial momentum to the growth trajectory of Kerala and help drive the faster development of the state's economy. During the last 6 years, oil and gas industry has invested around 25,000 crores in the state of Kerala in various petroleum infrastructure projects including oil refining, petrochemicals, gas pipeline infrastructure, marketing infrastructure and city gas distribution networks. Oil and gas industry is making an annual contribution of around 7,500 crores to the state government's exchequer. आमर आजिर पदक्षेप भविष्यतर विकास को त्वरान्वित करिबो आमे समस्ते मिसी आत्मनिर्भर भारत गठन करिपारिबा बोली मोदी कहिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।